दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी A55 अगले महीने ग्लोबल मार्केट में डेब्यू करने के लिए तैयार है। इसकी ऑफिशियल लॉन्च से पहले फोन के कई स्पेक्स सामने आ चुके हैं। ये फोन एक्सिनोस 1480 चिपसेट के साथ में आएगा। इसके अलावा 8GB रैम 256GB स्टोरेज से लेस होगा। बिन फ्यूचर की रिपोर्ट में बताया गया है कि सैमसंग गैलेक्सी A55 जर्मन में 11 मार्च को सैमसंग गैलेक्सी A35 के साथ लॉन्च किया जाएगा और इस फोन की कीमत 40,300 रुपये रखी जा सकती है। इसके अलावा ऐसा भी कहा जा रहा है कि फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप हो सकता है, जिसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ 50MP का प्राइमरी शूटर कैमरा मिलने वाला है। सैमसंग गैलेक्सी A55 में 6.6 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड स्क्रीन होगी। ऐसा कहा जा रहा है कि OIS f1.8 अपर्चर के साथ 50MP का प्राइमरी कैमरा, 2.4 अपर्चर के साथ 12MP का सेकेंडरी कैमरा और 2.2 अपर्चर के साथ 5MP का ट्रिपल कैमरा होगा। फोन के फ्रंट में आपको 2.2 अपर्चर वाला 32MP का सेल्फी कैमरा हो सकता है और ये फोन 4 कलर ऑप्शंस में आएगा, आइस ब्लू, नेवी, पर्पल, व्हाइट। सैमसंग गैलेक्सी A55 कंपनी के एक्सिनोस 1480 चिपसेट से चलेगा और एंड्रॉयड 14 पर बेस्ड बन यूआई 6.1 आउट ऑफ द बॉक्स पे चलेगा। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग स्मार्टफोन 6GB 128GB और 8GB 256GB 2 रैम स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन में आएगा। बैटरी की बात करते हैं तो पावर के लिए 5000mAh की दमदार बैटरी इसमें आपको देखने को मिलेगी। कनेक्टिविटी के लिए इसमें स्टीरियो स्पीकर्स का फीचर्स भी दिया जाएगा। सैमसंग गैलेक्सी A55 को धूल और पानी से बचाने के लिए IP67 की रेटिंग भी दी जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक सैमसंग गैलेक्सी नई गैलेक्सी A55 में 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, ब्लूटूथ 5.3, GPS, NFC कनेक्टिविटी ऑफर करेगा और ये USB 2.0 Type-C पोर्ट से भी लैस होगा। फिलहाल इस बात की कोई भी ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है कि इस फोन को इंडिया में कब तक लॉन्च किया जाएगा।